अभी तक आपने देखा कि हमारे मेन कैरेक्टर को उस पेंडियन से एक शक्ति मिलती है जिससे वह किसी चीज का भी आर पार देख सकता है। मेन कैरेक्टर ये सब सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो बोलता है कि क्या चल रहा है, क्या मुझे वहम हो रहा है। उसी समय उसकी बहन आती है और बोलती है, येहान तुम ठीक हो? और येहान बोलता है, हाँ बहन मैं ठीक हूँ। येहान को उस पेंडेंट से किसी चीज की भी आर पार देखने की शक्ति मिली थी। येहान उस शक्ति से अपने बहन की ओर देख लेता गलती से। फिर येहान बोलता है, सिस्टर अपने कपड़े पहन लो। उसकी बहन बोलती है, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो, मैंने कपड़े पहने हैं। उसकी बहन बोलती है, उसे बुखार नहीं है, क्या उसे ब्रेन डैमेज तो नहीं हो गया है? येहान बोलता है, उसके कपड़े फिर से क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है? अचानक येहान के आंखों के सामने रोशनी छा जाती है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उस पेंडिंग से आवाज आती है, इन एन यांग प्रविष्ट दृष्टि है, उसके बाएं आंख में इन है और उसके दाएं आंख में यांग है। तुम प्रविष्ट दृष्टि से नेदर वर्ल्ड को देख सकते हो अपने बाएं आंख से और दाएं आंख से हर चीज के आर पार देख सकते हो। इतना बोलने के साथ ही वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। यहाँ सोचते हुए बोलता है, इन एंड यांग प्रविष्ट दृष्टि, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख सकूं? चलो ट्राई करते हैं। फिर यहाँ अपनी प्रविष्ट दृष्टि से हॉस्पिटल के अलग अलग जगहों में देखने की कोशिश करता है। यहाँ बोलता है, मैं वास्तव में सब कुछ देख सकता हूँ, चलो देखते हैं। हॉस्पिटल के ऑफिस रूम में यहाँ देखता है, उसमें डॉक्टर और नर्स तोते मैने की तरह प्यार मोहब्बतों की बातें कह रहे होते हैं। यहाँ बोलता है, वो बुरा है पर जोरदार है। फिर यहाँ बोलता है, चलो एक बार और देखता हूँ, मैं वास्तव में एक नर्स को देख सकता हूँ, मैं सिर्फ एक बार देखूंगा, बस एक बार, घूम जाओ घूम जाओ। वो फाइनली घूम रही है, चले जाओ। यहाँ बेड में लेटे हुए बोलता है, मुझे इन आंखों की क्या जरूरत है। उसी समय एक नर्स आती है और बोलती है, यहाँ के फैमिली यहाँ आए और हॉस्पिटल में भर्ती होने का बिल जमा करें। फिर उसकी बहन बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद वो बाहर चली जाती है। फिर यहाँ अपने पेनिट्रेशन विजन से बाहर की ओर देखता है कि उसकी बहन हॉस्पिटल का बिल भर रही होती है। येहान की बहन उस नर्स से बोलती है, क्या ये काफ़ी है? अगर नहीं है तो मैं अभी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास इतने ही है। फिर नर्स बोलती है, हाँ ये काफ़ी है, बस आपका भाई ठीक है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल सकता है। फिर येहान बोलता है, इस पेनिट्रेशन विजन से मैं अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी जीना देना चाहता हूँ। येहान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है फिर वो अपनी बहन से बोलता है, बहन मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। फिर उसकी बहन बोलती है, ठीक है जल्दी आ जाना। फिर येहान वहाँ से चला जाता है। फिर एक जगह रुक के सोचता है, इस पेनिट्रेशन विजन से मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। यही सोचता होता है तभी अचानक से गली में से एक आवाज़ आती है। येहान उस आवाज़ की ओर जाता है, वहाँ एक लड़की बैठी होती है और बोलती है, आओ बेट लगाओ, बिग और स्मॉल अपना बेट लगाओ। वहाँ के सारे लोग अपना अपना दाव लगा रहे थे। फिर एक आदमी बोलता है, मैं बड़े पे 500 लगाऊंगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मैं छोटे पर 300 लगाऊंगा। फिर तीसरा आदमी बोलता है, पिछले वाले सभी स्मॉल थे, मुझे विश्वास नहीं है कि ये अभी भी स्मॉल है, मैं 600 स्मॉल में लगाता हूँ। लड़की अपने मन में सोचती है, एक बेवकूफ़ों का झुंड है, अपना सिर्फ दाव लगाओ और ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। सभी लोग अपना दाव लगाता है पर बिग में बहुत सारा पैसा लगाता है और स्मॉल में कुछ कम लगाते हैं। येहान ये सब देखकर सोचता है, इतने सारे पैसे। फिर येहान अपनी पेनिट्रेशन विजन से देखता है और बोलता है, चलो देखते हैं बिग आता है या स्मॉल। फिर येहान अपने पेनिट्रेशन विजन से देखने के बाद ये सोचता है, ये स्मॉल है जब कुल 0.4 से 10 तक होता है, जबकि 11 से 17 बिग होता है, ये 2, 3, 4 कुल 9 पॉइंट है। फिर वो लड़की उस गिलास को डाइस के ऊपर से हटाती है और बोलती है, ये 2, 3, 4 मतलब स्मॉल है, तुम लोग हार गए, ये सारे पैसे मेरे हुए। फिर उसमें से एक लड़का बोलता है, फिर से स्मॉल,
ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसमें से एक आदमी बोलता है, मैं खेल चुका हूँ, मैंने 1 घंटे में लगभग 3,000 हार चुका हूँ। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं फिर से दांव लगाना चाहता हूँ। वो सभी लोग हार चुके हैं और वो सारे पैसे उस लड़की को मिल गए। और लड़की बोलती है, थैंक यू थैंक यू। वो लड़की अपने सारे पैसे गिन रही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र उस लड़के पे जाती है और सोचती है, एक न्यू कमर। फिर वो लड़की उस लड़के से बोलती है, मिस्टर हैंडसम, क्या तुम खेलना चाहते हो? फिर यहाँ उस लड़की से बोलता है, लेडी तुम पछताओगी। फिर वो लड़की सोचती है, अगर मैं नहीं खेली तो सभी लोग चले जाएंगे और मैं पैसा कमा नहीं सकूंगी। वो लड़की सोचती है, चलो एक और इडियट आ गया अपने सारे पैसे मुझे देने के लिए। फिर वो लड़की बोलती है, खेलोगे या नहीं? फिर यहान बोलता है, ठीक है मैं खेलूँगा। फिर यहान उस लड़की को बोलता है, ये तुम हो जो मुझे खेलने दी, थोड़ी देर में पछताना मत। फिर वो लड़की ग्लास में डाइस रख के बोलती है, सभी लोग अपना अपना दाव लगाओ। फिर सभी लोग अपना अपना दाव लगाते हैं। एक आदमी बोलता है, मेरे 300 बिग में। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मेरे 500 स्मॉल में। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मेरे 1,000 स्मॉल में। फिर यहाँ अपनी पेनिट्रेशन विजन से देखता है कि क्या आता है, बिग या स्मॉल। फिर वो लड़की गिलास को हिलाकर बेंच में रखती है। जैसे वो लड़की गिलास को बेंच से हटाती है, सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये तो बिग निकला। और सभी लोग पैसे हार जाते हैं।